के जो ज्वाइन नहीं हुए तो Edgar estudiante multamis ho ke please अपने माइक की आवाज को बंद कर दीजिए यहाँ से सबको म्यूट किया जाता है और इस वक्त अब सेशन का बाबा तौर पर आगाज हो रहा है इसलिए आप कुल्ली तौर पर आज के इस सेशन पर कंसंट्रेट कीजिएगा जेटी आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज जो एक शोभा है एंड गाइडेंस सेल इसके पांच रोजा का इनका आप लोगों की परहत हसन, आपको बार बार यहाँ से म्यूट किया जा रहा है बावजूद इसके आप माइक को ऑन कर रहे हैं प्लीज़ आप ऐसा ना करें सेशन में डिस्टरबेंस हो रहा है फ़रहत फ़ातिमा तौफिक हसन आप अपने माइक को बंद रखिए जैसा कि कल के सेशन में मैंने आप अहबाब को बताया था कि आज हम यूपीसी के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक बोर्ड है जो मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ इम्तहान का इनका करता है उसमें एक इम्तहान जिसे हम सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं जो मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इम्तहान कहलाता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कामयाब करने के बाद क्लास वन ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज अलाउ की जाती है ये इम्तिहान कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर साल लाखों नौजवान बच्चे और बच्चियां इसमें अपियर होते हैं लेकिन महज लाखों में से चंद हज़ार स्टूडेंट्स को मेंस लिखने का मौक़ा मिलता है और उन चंद हज़ार स्टूडेंट्स में से सिर्फ़ ढाई से तीन हज़ार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उन ढाई से तीन हज़ार स्टूडेंट्स में से सिलेक्शन होता है छः सौ सात सौ आठ सौ या मैक्स टू मैक्स नौ सौ स्टूडेंट्स का यानी वो ख्वाब जो लाखों स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों में सजाया था तकमील पर महज चंद लोगों का सिलेक्शन होता है डिपेंड करता है कि उस साल यूपीएससी ने कितनी सीट्स वैकेंट रखी है और जिसका एड आया है एग्जाम होने से पहले ही उस साल की सीट्स डिक्लेयर कर दी जाती है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है पैटर्न वही होता है सिलेबस वही होता है कट ऑफ और सीट्स में डिफरेंस हर साल देखने को मिलता है मुल्क हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा सबसे कठिन इम्तिहान है तीन फेज में ये इम्तिहान मुनद होता है पहले फेज को कहा जाता है प्रीलिम, दूसरे फेज को कहा जाता है मेंस, और तीसरी स्टेप को कहा जाता है इंटरव्यू। रिजल्ट किस तरह से बनता है? अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज पर, जिसे प्रीलिम के नाम से याद किया जाता है। ये यूपीएससी की फर्स्ट स्टेप है। अगर आपने इसे कामयाब किया, तो आप मेंस लिखने के अहल करार पाएंगे, बसुरते दिगर, आप इस जर्नी से आप इस सफर से यहीं से बाहर हो जाएंगे इसमें दो पेपर होते हैं जीएस यानी जनरल स्टडीज और दूसरा पेपर होता है सी यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट इन दो पेपर्स की बुनियाद पर रैंक लिस्ट डिसाइड होती है और रैंक लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको मेंस लिखने के लिए कमेटी बुलाती है या नहीं ये डिसाइड होता है CSET का पेपर सिविल सर्विसेज टेस्ट इसमें क्या होता है आपको याद होगा एक दिन पहले मैंने यूजीसी एग्जाम के हवाले से बहुत तफसी गुफ्तु की थी उसमें भी पेपर फर्स्ट होता है नियर अबाउट वैसा ही पैटर्न आपको यूपीएससी प्रीलिम में सी सेट के पेपर में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें कॉम्प्रिहेंशन लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग डिसीजन मेकिंग जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन सारी चीजें मौजूद होती है सीसेट के पेपर में जीएस के पेपर में क्या होता है जीएस के पेपर में यानी जनरल स्टडीज में करेंट अफेयर जिसके लिए आपको डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स ब्लॉग्स हालात हाजरा पर नजर रखना होती है ये सारी चीजें पढ़ना होती है करंट अफेयर हिस्ट्री ऑफ इंडिया जोग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड जोग्राफी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इशूज जनरल साइंस ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है अगर मैं किताबों की बात करूं, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है तो इसके लिए सबसे बेहतरीन किताब है लक्ष्मीकांत की बुक पॉलिटी सबसे बेहतरीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको अगर आप समझना चाहते हैं, इस पर जो सवाल बनते हैं वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से पूछे जाते हैं इसी तरीके से जोग्राफी पढ़ना है आपको तो माजिद हुसैन आप पढ़ सकते हैं जीसी लियोन को आप पढ़ सकते हैं इंडियन हिस्ट्री पर एंशियन मेडिवल सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है आप चाहे तो सेशन के आखिर में मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जिनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं प्री का फेज मुकम्मल होने के बाद बारी आती है यूपीएससी मेंस की यूपीएससी मेंस में कुल नौ पेपर होते हैं लेकिन इन नौ पेपर में दो पेपर क्वालिफायर्स होते हैं मतलब आपने उनमें कामयाबी हासिल की तो बाकी के सात पेपर्स आपके चेक किए जाएंगे और अगर आप उनमें फेल है तो फिर बाकी के पेपर्स आपके चेक नहीं किए जाएंगे और इसका इम्पैक्ट रिजल्ट पर नहीं पड़ता है ये रिजल्ट में काउंट नहीं होते इम्पैक्ट मतलब इम्पैक्ट तो पड़ता है आप पास होंगे तो पा, आ, आगे के पेपर चेक होंगे वो शुमार नहीं किए जाते उनकी रिजल्ट रिजल्ट में। रिजर्ट में की मास भी शुमार नहीं की भी नहीं जाती है रिजल्ट बनता है आपके बाकी के सात पेपर्स और इंटरव्यू की मार्क्स की बुनियाद पर आपने पहले प्री दिया प्री में दो पेपर्स दिए जी एस वन और सीसेट जीएस और सीसेट के पेपर में आपने कामयाबी हासिल की आपको मेंस लिखने का मौका दिया गया मेंस में आपने नौ पेपर्स लिखने होते हैं पहले दो पेपर जो होते हैं वो क्वालिफायर होते हैं एक है इंग्लिश कंपलसरी और दूसरा पेपर होता है इंडियन लैंग्वेजेस आइन के आठवें शेड्यूल में जो जुबान दर्ज है उसमें से कोई भी एक जुबान उसका इंतखाब आप कर सकते हैं अब वो जुबान कौन सी है किस तरीके से है उसके लिए आपको आइन का आठवां शेड्यूल पढ़ना होगा या आप अपने पॉकेट से एक नोट निकालिए और नोट निकालने के बाद ये जो पीछे की जानब उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा नोट पे ये जो कॉलम होता है यहाँ पर जो लिखा होता है जिसके अंदर मुख्तलिफ जुबानों में नोट के हवाले से जो लिखा होता है ये लैंग्वेजेस आप इंडियन लैंग्वेजेस में ले सकते हैं आप यहाँ पर उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं हिंदी ले सकते हैं मराठी ले सकते हैं जिस लैंग्वेज में आप इतनी मार्क्स हासिल कर ले थर्टी थ्री परसेंट ताकि आप क्वालिफाइड हो जाओ दोनों पेपर में उसके बाद बाकी के पेपर्स जो सात पेपर्स होते हैं उसमें एक पेपर होता है एस का जिसमें आपको मज़मून लिखना होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर आपको मज़मून लिखा जाता है आपको न्यूज पढ़ते हुए प्रैक्टिस करना होता है करंट इश्यूज़ पर करंट सिनेरियो पर ढाई सौ मार्क्स का ये पेपर होता है दो इससे आपको लिखना होते हैं एक सौ पच्चीस एक सौ पच्चीस मार्क्स के इससे होते हैं आप आप अब आप, आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा एग्जाम है ऑप्शन कुछ भी नहीं है सिर्फ दो इससे लिखना है और दो इससे की मार्क्स भी कितनी है ढाई सौ मार्क्स मतलब आपकी तैयारी अगर फिफ्टी परसेंट है तो एक सौ पच्चीस मार्क्स तो आपकी यू ही चले गए और जिसके 125 मार्च चले गए उसको भूल जाना चाहिए कि यूपीएससी में उसका सिलेक्शन होगा आपको इतनी कॉन्क्रेट इतनी मजबूत इतनी सॉलिड प्लानिंग के साथ स्टडी करना है कि वो दो टॉपिक्स जो भी आने वाले हैं या ऑप्शन होते हैं आपको दो करना होते हैं तो जो दो आपको करना है वो इतने मजबूत होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें हासिल हो जाए दो क्वालिफाइड पेपर हो गए एक एस का हो गया बाकी बचते हैं चार पेपर जीएस के और दो पेपर बचते हैं ऑप्शनल के इस तरीके से नौ पेपर आपके होंगे एस से के बाद जनरल स्टडीज वन जिसे जीएस वन कहा जाता है जनरल स्टडीज सेकंड जनरल स्टडीज फोर्थ और जनरल स्टडीज थर्ड और फोर्थ जनरल स्टडीज फर्स्ट में क्या होता है आपको इसमें स्टडी करना है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी इस पर सवाल पूछे जाते हैं जी एस में आपको पॉलिटी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस, इस पर आपने मतलब करना है जी एस थर्ड में इकोनॉमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इस पर आपने कमांड हासिल करना है जीएस फोर में जीएस फोर को इथिक्स का पेपर भी कहा जाता है इसमें इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड इस सारी मालूम आपके पास होना चाहिए उसके बाद ऑप्शनल के दो पेपर अब ऑप्शन ऑप्शनल में आप इंडियन लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया चौबीस जुबान है चौबीस जुबानों में से कोई एक पेपर भी ले सकते हैं आप यहां पर भी आप उर्दू ले सकते हैं ऊपर जो लैंग्वेज का पेपर था इंडियन लैंग्वेजेस उसमें भी आप उर्दू ले सकते हैं तो वो ढाई सौ मास ये पांच सौ मास साढ़े सात सौ मास उर्दू में आप हासिल कर सकते हैं यूपीएससी के पेपर में उर्दू इसलिए कह रहा हूँ बनस्बत दूसरी जुबानों के उर्दू में स्कोर करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा इसलिए कि आपकी मादरी जुबान उर्दू है आपने उर्दू स्कूलों में तालीम हासिल की है आपका शहर उर्दू का गहवारा कहलाता है तो जाहिर सी बात है जो आप जिस चीज पर आपको कमांड हासिल है उस सब्जेक्ट में उस लैंग्वेज में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे तो उर्दू यहां पर ले सकते हैं उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट आपने मेंस लिखा मेंस में आपने कामयाबी हासिल कर ली है उसके बाद बारी आती है पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू यूपीएससी बोर्ड एक महीने तक इंटरव्यूज कंडक्ट करवाता है अलग अलग बोर्ड होते हैं अलग अलग पैनल होते हैं जिसमें कैंडिडेट का चेक किया जाता है एटीट्यूड कम्युनिकेशन स्किल मेंटल स्ट्रेंथ एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स क्योंकि आपकी नॉलेज की जांच तो हो चुकी है प्रीलिम में और मेंस में यहाँ या, यहाँ पर आपका बिहेवियर आपका एटीट्यूड आपका प्रेजेंटेशन का अंदाज कम्युनिकेशन स्किल आपकी मेंटल हेल्थ आप सिचुएशन को कैसे टैकल कर पाते हो ये सारी चीजें देखी जाती है यहां पर जज किया जाता है यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं आपके बैकग्राउंड पर आपके वर्क एक्सपीरियंस पर आपकी हॉबीज क्या है और आपने जो डेफ फिल किया है डेफ डिटेल्ड अप्लीकेशन फॉर्म इंटरव्यू में जाने से पहले डेफ आपको फिल करना होता है अगर डेफ में आपने क्या फिल किया उस पर भी सवाल पूछे जाते हैं जैसे मैं अक्सर अपनी क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं तो दो जवाब मुझे मिलते हैं अक्सर बच्चियाँ कहती है मिर्जा गालिब अक्सर बच्चियाँ कहती है अलामा इकबाल फिर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अल्लामा इकबाल की आपने कौन सी किताब पढ़ी है तो वो खामोश हो जाते हैं मिर्जा गालिब पर आपकी कितनी स्टडी है तो वो खामोश हो जाते हैं मिर्ज़ा गालिब मिर्जा गालिब के खतूत का पहला मजमु कौन सा है तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं मिर्जा गालिब मुगलिया सल्तनत में किस मुगल बादशाह के उस्ताद थे किस मुग़ल बादशाह ने उन्हें खानदान तैमूरिया की तारीख लिखने पर मामूर किया था फिर वो खामोश हो जाते हैं इससे एक बात ये समझ में आती है कि वो आपके पसंदीदा शायर नहीं है ठीक है आपने कह दिया पसंदीदा का मतलब ये होता है कि आपने उन्हें पढ़ा है जांचा है परखा है तब कहीं जाकर आपने उन्हें पसंद किया है सिर्फ फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर या किसी के व्हाट्सअप स्टेटस पर एक दो शेर पढ़ लेने से या किसी की निजामत में एक दो शेर सुन लेने से वो शेर डॉक्टर इकबाल का नहीं हो जाता या फिर वो आपकी पसंदीदा शख्सियत नहीं बन जाएंगे उसके लिए आपको पढ़ना होगा कल्यात इकबाल बानग दरा बाल इब्राइल अरमगान हिजाज बयाम मशरक फ़ारसी कलाम उर्दू कलाम उनका पी एच डी का थेसिस उनके अफकार उनके ख्याल उनके नज़रियात उनका तस्वुर खुदी उनका तस्वुर बेखुदी तब कहीं जाकर वह आपकी पसंदीदा शख्सियत बन सकते हैं ये गलती आपने इंटरव्यू में नहीं करना है क्योंकि अगर आपने डेफ में लिख दिया कि मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है मेरा मशगला मेरा पसंदीदा खेल तो फिर वो आपसे बाल की खाल निकाल लेंगे क्रिकेट कब से शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ हिंदुस्तान में कब आया कितने कैप्टन रह चुके हैं और जितने भी रिकॉर्ड्स है उस पर वो सवाल पूछें अब वाकई आपका पसंदीदा खेल है तो आप जवाब दे पाएंगे वरना या तो आपकी गाड़ी फंस जाएंगी तो इंटरव्यू में हमेशा सच बोलना होता है और सवाल आपसे पूछे जा रहे जवाब देने का भी एक तरीका होता है जवाबात किस रुख पर आपने देने हैं जवाब देने का तरीका होता है इंटरव्यू देने का तरीका होता है इंटरव्यू इस तरह से देना चाहिए कि सवाल वो पूछे जाए जो हम चाहते हैं आप सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक अब देखिए इस पर हमारी गुफ्तु हुई थी नू सिद्दीकी सर के ज़रिए से नू सिद्दीकी सर जो है हमारे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है काफ़ी उनके लेक्चर्स हम गाहे बगाे मुनद करते हैं ये दो किताबें उनकी यू उर्दू ऑप्शनल के हवाले से और इन दोनों किताबों पर भी हमदी ताली मैंने भी काफ़ी काम किया है इसका प्रीफेज भी मैंने ही लिखा है इन्होंने पूरा एक सवाल पर्चा रेडी किया था अपने इंटरव्यू के हवाले से और मैक्सिमम सवाल उसी में से आए थे जब आप आप इतना बड़ा इम्तिहान दे रहे हो तो इतनी एबिलिटी इतना गुर इतनी काबिलियत आप में होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डे फॉर्म है यहाँ पर मेरा फोटो लगा है यहाँ पर मेरी डिटेल है यहाँ पर मेरे सब जो भी कॉलम्स थे वो फिल है कभी कभी ऐसा भी होता है वो YouTube वगैरह की बात जाने दीजिए जिसमें ये सब पूछा जाता है कि बताओ जिस बिल्डिंग में चलकर आए हो उसका जीना कितना है फ्लोर कितने हैं कमरे कितने हैं अब ये सब सवालों से उनको कोई गर्ज नहीं है वो आपका आई क्यू लेवल देख चुके हैं में में मेंस में। पर तो आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हो कम्युनिकेशन स्किल कैसी है आप जवाब कैसे दे देते हो क्योंकि जो भी शख्स आपके पास आएगा सर्विस में वो अपना एक मसला लेकर आएगा एक प्रॉब्लम लेकर आएंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अहलियत आप में है या नहीं वो जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसका जवाब देने का तरीका आपको मालूम है या नहीं किस पर गुफ्तु होंगी इस पर बात होंगी ये पैटर्न होता है ये तरीके कार होता है तो ये फॉर्म मेरे मेरे सामने पेश कर दिए अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ ये कौन है मैंने अपना फोटो देखा और कह दिया कि हाँ ये तो तोताउर रहमान है खत्म अब उन्होंने जो मेहनत की है ना आपसे सवाल पूछने के लिए वो बम्बार्डिंग शुरू हो जाएंगी उनके सवाल शुरू हो जाएंगे एक तरीका होता है फॉर्म आपने लिए उसको देख रहे हैं अरे आ, सर मुझे आ, ये महसूस होता है कि ये मालेगांव में रहते हैं इनका नाम जो है वो डॉक्टर अताउर है इन्होंने हाल ही में पीएचडी की डिग्री हासिल की है सर जहाँ तक मेरा ज़हन काम कर रहा है इनकी अब तक पंद्रह किताबें आ चुकी है न्यूज़पेपर्स मैगजीन में इनके तकरीबन दो हज़ार के करीब आर्टिकल्स वो पब्लिश हो चुके हैं इनके तीस चालीस रिसर्च पेपर्स रिसर्च जर्नल्स में जर्नल्स में आ चुके हैं इनके एक यूट्यूब चैनल है जिस पर एक लाख के करीब सब्सक्राइबर है इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं इनके निगरानी में अब तक 140 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कामयाब किए है इनकी क्लासेस चलती है एक ठीक ठाक टीचर है ठीक ठाक काम कर रहे हैं यूपीएससी के हवाले से भी इनका काम है आगे इनकी पढ़ाई अब भी जारी है अब देखो आपसे सवाल एक पूछा गया था कि ये कौन है और ये जो बॉल आपकी तरफ फेंकी गई थी ना ये यॉर्कर नहीं थी ये फुलटॉस थी आप फुल टॉस पर अगर आप प्लेट करते हो सिर्फ आपने कह दिया ये तौर है तो अगला सवाल उनका तैयार हो जाएगा लेकिन आपने क्या किया उस फुल टॉस को बनाकर सिक्स मार दिया मतलब इतना सारा कंटेंट उनके सामने भेज दिया कि यार तो वो है जो जिसने मालेगांव में उर्दू सब सब्जेक्ट से सबसे पहले एम एस कामयाब किया था जो मास्टर डिग्री में कॉलेज का टॉपर था जिसने आउट स्टैंडिंग पोजिशन हासिल की है जिसने जर्नलिज्म किया है और जर्नलिज्म में पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक होल्डर था और पूरे इंडिया में फोर्थ रैंक होल्डर था तो वो ताजुब करेंगे यार इस एज में महाराष्ट्र का टॉपर है इंडिया में फोर्थ रैंक है कॉलेज का टॉपर है चौदह पंद्रह किताबें आ चुकी है अठारह सौ दो हजार के करीब मजमून आ चुके हैं रिसर्च पेपर आ चुके हैं पीएचडी कंप्लीट हो चुकी है तो अब आप यकीन जानिए सेकंड सवाल उनका किस पर होगा सेकंड क्वेश्चन किस पर होगा कैसे कर लिया इतने काम कैसे लिख ली इतनी किताबें कैसे लिख ली इतने मजामिन क्या तरीका होता है मजमून लिखने का रिसर्च पेपर कहाँ कहाँ आपने पब्लिश किए है आपसे पहले मालेगा में एम एस सेट एग्जाम किसी ने कामयाब क्यों नहीं किया उर्दू सब्जेक्ट से आपने जर्नलिज्म क्यों किया आपने पीएचडी क्यों की अब ये वो सवाल पूछे जा रहे हैं जो जिंदगी आपने जी है और जो जिंदगी आपने जी है उसका जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है उधेड़िए दीजिए जवाब दीजिए बीस मिनट का पंद्रह मिनट का टाइम मिलता है पूरा पंद्रह बीस मिनट इस पर खा जाइए आप ही को तो पेश करना है और वो इंटरव्यू में देखा क्या जा रहा है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है आप सिचुएशन तो हाँ, रहेंगे पैनल में यकीन वो भी सवाल पूछेंगे कुछ क्रॉस क्वेश्चन होंगे वो ये पूछ सकते हैं कि एक तरफ तुम जर्नलिज्म कर रहे हो दूसरी तरफ पीएचडी कर रहे हो तीसरी तरफ यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए आ गए तो तीनों राहें तो अलग अलग है अब तुम कैसे इंसाफ कर पाएंगे आपने कोई एक सिलेक्शन करना था फिर आपको उसका भी जवाब देते हुए आना चाहिए कि सर तीनों राहें अलग अलग है लेकिन वो जो दोनों राहें हैं जर्नलिज्म और पीएचडी की उसका इस्तेमाल मैं यूपीएससी में मुल्क की खिदमत में और फला बहबूद के लिए कर सकता हूं जर्नलिज्म से मुझे ये फायदा हुआ है कि मेरी ड्राफ्टिंग स्टाइल इंप्रूव हुई है मैं लिखने का तरीका कार जान चुका हूँ एडिटोरियल क्या एडिटोरियल बोर्ड क्या होता है स्टाफ बोर्ड क्या होता है किस तरीके से येलो uh, जर्नलिज्म किया जाता है किस तरीके से पेड न्यूज पब्लिश की जाती है रियलिटी क्या होती है फेक न्यूज क्या होती है मैं इन चीजों से वाकिफ हूँ ताकि समाज सोसाइटी में अगर कोई येलो जर्नलिज्म कर रहा है या पेड न्यूज का इस्तेमाल कर रहा है या पब्लिक को मिसगाइड कर रहा है तो मैं इसके ऊपर कदगन लगा सकता हूँ उसको रोक सकता हूँ पीएचडी में मैंने ये सीखा है कि किसी भी टॉपिक पर रिसर्च कैसे किया जाता है बाल की खाल कैसे निकाली जाती है अगर कोई भी केस मुझे दिया जाएगा तो मुझमें वो क्षमता है, है कि मैं चीजों को बारीक बारीकबीनी से गहराई और गिराए के साथ जांच सकता हूं परख सकता हूं एनालिसिस कर सकता हूं और कंक्लूजन तक पहुंच सकता हूँ ठीक है मेरी राहें अलग अलग है लेकिन उन दो राहों का उपयोग मैं इस जगह पर कर सकता हूं और बेहतरीन तौर पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकता हो तो अब अब आप अब आप बोलिए आपने पूरे इंटरव्यू का रुख तब्दील कर दिया है मोड़ दिया है यही जुबान और बयान की फनकारी तो आप में आनी चाहिए यही गुर यही एबिलिटी यही क्षमता आप में आनी चाहिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है जुबान और बयान की महारत बहुत ज़रूरी है देखिए जुबान आपको जिंदा और जावीद बनाती है एक बादशाह ने ख्वाब देखा कि उसके दांत टूट गए हैं एक तजुमी को बुलाया कहा कि ऐसा सा ख्वाब देखा है मैंने ताबीर बताओ वो शख्स कहता है कि इसकी ताबीर ये कि तुम्हारे घर वाले मर जाएंगे तुम जिंदा रहेंगे क्योंकि तुम्हारे दांत टूट गए उसका मतलब यही निकलता है बादशाह को आ गया जलाल मेरे घर वालों को मारता है जल्लाद को आवाज़ दिया उसको उठाया कहा कि जो मेरे घर वालों को मुर्दा करार दे उसको जीने का कोई हक नहीं जाओ इसको हलाक कर दो गए उसको कत्ल कर दिया गया एक लैंग्वेज के टीचर को बुलाया गया बुलाया गया कहा कि वैसा जो ख्वाब देखा है क्या ताबीर है हम लैंग्वेज का टीका टीचर है जुबान बयान पर दस्तरा से बोले सुबहान अल्लाह माशाल्लाह क्या खूब ख्वाब देखा है बहुत खूब बहुत तवील उम्र पाई आपके घर वालों ने आपने और उस पर सोने पर सुहागा ये कि तमाम घर वालों में सबसे ज्यादा उम्र आपकी तवील होगी बहुत अच्छे बहुत कहने सबकी उम्र तवील है और उन सबसे ज्यादा आपकी उम्र तवील होंगी अरे वाह माशा उम्र वजीर को बुलाया कि जाओ जा, इनको एक मनसब दे दिया जाए इनको एक पोस्टर दे दी जाए जवारा से नवाज दिया जाए क्या फर्क है दोनों के जवाब में कुछ भी नहीं पहले वाले ने भी यही कहा दो टोक लबो लहजे में दूसरे वाले ने भी यही कहा दूसरे वाले ने भी तो यही कहा कि उनसे ज्यादा तुम्हारी उम्र है मतलब यानी कि उनसे पहले तुमसे पहले तुम्हारे घर वाले हलाक हो जाएंगे मर जाएंगे लेकिन बात कहने का अंदाज तब्दील हो गया बदल गया तो एक के हिस्से में मौत आ रही है दूसरे के हिस्से में मनसब हीरे जवाहरात आ रहे हैं यही सारी चीजें आपसे पर्सनालिटी में टेस्ट की जाएंगी आप अभी से जो है लैंग्वेज पर कमांड हासिल करना शुरू कीजिए पढ़िए मुताला कीजिए यूपीएससी दे रहे हो देने का इरादा है या सोचा जाएगा जुबान आपकी बेहतरीन होनी चाहिए आप किसी भी सेक्टर में हो सेक्टर में हो अगर आपके पास जुबान है तो आप जो है वो बेहतरीन तरीके से लोगों के दिल में जगह बना सकते मैं अपने शहर की मिसाल देता हूँ बताइए तो सर्जन की बात अगर हमारे शहर मालेगांव में होंगी तो सबसे पॉपुलर सर्जन कौन है कितनी ज्यादा प्यार मिलता है यकीनन आप में से अक्सर बेशर कहेंगे डॉक्टर सईद फारानी मतलब सर की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है तो कहा जाता है चलो फारान कोई जलने वाला केस भी हो तो कहा जाता है चलो फारान लेडीज मीटर भी है तो कहा जाता है चलो ना इतना इरफान उसे हासिल हो चुका है सब अब क्या पता है एक दूसरा सर्जन है जिसके पास एक पेशेंट जाता है पेट में दर्द है सोनोग्राफी की गई वो, कह, वो कहता है बाप अपेंडिक्स वो फट गया है रप्चर हो गया उसकी वॉल जो जो है तो फौरन जो है तो मैं वो कंसेंट फॉर्म लिख कर देना होगा पेरेंट्स को बुलाइए आपको ऑपरेट फॉरन से करना होगा डरा दिया जाता है घबरा दिया जाता है वो परेशान अब क्या होगा अपेंडिक्स फट गया पेट में फट गया पता नहीं क्या होगा सेम सिचुएशन सईद फरानी सर की मैं आपको बताता हूँ मेरी मिसाल दे देता हूं कि मैं समझो मेरे पेट में अपेंडिक्स फट गया मैं सर के पास गया सर ने सोनोग्राफी देखा सर ने ऐसा कहने चला था कुछ नहीं चल तो लेडिया देखते शाम में देखते रात में देखते हैं एक छोटा मोटा काम करना होगा और कल घर चले जाना सर को पता है ये कल घर जाने वाला नहीं है लेकिन सर ने क्या चल थोड़ा सी देखते कल घर चले आना अब रात में तो गए भैया ऑपरेशन थिएटर में लिए सीधा उधर मार दिए तीन चार टाका लगा दिए अब सुबह जो है ना सर आ रहे हॉस्पिटल में विजिट के लिए आ रहे तो सर के चलने का अंदाज आप देखते ही है बहुत एनर्जेटिक है एकदम जल्दी जल जल जल्दी और अता चल तैयारी कर घर के लिए निकलना है अब अपनी तो हालत खराब है तीन चार टाका लगाए है है ना तो आधी रात तक तो बेहोश थे जैसे तैसे होश आया तो उठा नहीं जा रहे और सर वो बोले चल घर चलना है तो अपने खुद बोलेंगे आ, सर ना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है आ, आज रुक जाता हूँ अच्छा होने चल देख देख मैंने तो वादा किया था कि सुबह घर भेजना है अब तुम रुकना चाह रहे हो तो मैं मना नहीं करूँगा ए अल्ताफ़ उनका जो डॉक्टर है या दूसरा जो अफाद चल आ, सर को देख ड्रेसिंग वगैरह कर दे और क्या तकलीफ है देख ले दवाई को ले दे दे और ये कब से सलाइन कब से लगा रहे हो <coughs> चेंज करो भाई इसमें

ऑपरेशन थिएटर में कुछ भी हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ पेरेंट्स को करवाओ मेडिकल से वो दो बैग भर के सामान लेकर आ जाओ अम्मी अबू भी परेशान है ना हम भी परेशान ये फर्क किस बुनियाद पर है वो जो इरफान उनको हासिल हुआ है ना मकबूलियत जो हासिल हुई है इसी लैंग्वेज की बुनियाद पर हासिल हुई है ये जो लोगों के साथ बरतने का अंदाज है ये जो उनका बिहेवियर है इसे ही जज किया जाता है यूपीएससी के एग्जाम में जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स ये चीजें जज की जाती है। तो ये यह आपको प्रैक्टिस करते रहना है उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपके समझ में आई होंगी और भी डिटेल्स हमारे पास काफी कुछ मौजूद है अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर हम एक सीपरेट और लेक्चर ले सकते हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं जैसे जीएस में सौ क्वेश्चन होते हैं दो मार्स मुश्तमिल एक सवाल होता है सी सेट में ढाई मार्क्स का सवाल होता है अस्सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर इसके पेपर आप यहां पर देख सकते हैं ग्रुप ए ग्रुप बी की जो सर्विसेस है वो आप देख सकते हैं मिनिमम एज जो है वो 21 साल है मैक्सिमम एज बत्तीस साल है जो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं सब्जेक्ट देख सकते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री के लिए आपको पढ़ना है बिपिन चंद्रा या नितिन सिंघानिया एनसीआर आप पढ़ सकते हैं ग्यारहवीं बारहवीं के लिए बिपिन चंद्रा आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी हिस्ट्री के लिए जोग्राफी के लिए जैसे मैंने आपको कहा जीसी सी लियान है या माजिद हुसैन है इसमें भी आप एन पढ़ सकते हैं इंडियन पॉलिटी में तो सबसे बेस्ट है इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट सबसे सुपर बुक है इकोनॉमी में आप नितिन सिंघानिया को पढ़ सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में टाटा में हिल को आप पढ़ सकते हैं सिक्योरिटी में अशोक कुमार की बुक पढ़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आप करंट अफेयर डेली बेसिस पर पढ़िए और एनसीआरटी को पढ़िए इथिक्स के अंदर आप पी एन रॉय चौधरी को पढ़ सकते हैं सीसेड पर तो बहुत सारी किताबें हैं इसमें आप आर एस अग्रवाल को पढ़ सकते हैं ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है ठीक है कल भी इनशाला तबारक तला हमारा सेशन होगा कल के सेशन को भी आप लोग ज्वाइन कीजिएगा कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं आपके जानब से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बसूरत दिग्हर फिर हम सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे

वो फ्राहम की जाती है सर्विसेज काफ़ी बड़ी सर्विसेज इसमें दी जाती है जैसे आई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके बाद आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, एक और होती है आई इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, उसके बाद है आई इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके बाद है आई इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज एक और आई है इंडियन रेलवे सर्विसेज ये सारी सर्विसेज इस इम्तिहान को कामयाब करने के बाद स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है अब फर्क देखिए इम्पोर्टेंस की अगर बात करो हमारे यहाँ पर जैसे एम ये लोग ज्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम की तरफ तोज्जा दे रहे हैं एक डॉक्टर अगर डॉक्टर बन कर आता है लाखों रुपया खर्च करने के बाद फिर लोन लेकर वह हॉस्पिटल बनाता है उसके बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है लेकिन इसके बावजूद कोई जमानत नहीं है कोई गारंटी नहीं है कि उसके पास पेशेंट आएंगे या नहीं आएंगे उसका हॉस्पिटल रन होगा या नहीं होगा और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो अथॉरिटी पर्सन है उस एक छोटे से प्रिमाइसिस का जिसे हॉस्पिटल कहा जाता है लेकिन अगर आप ये एग्जाम क्रैक करते हैं तो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपको एक छोटी छोटा सा प्रीमाइसिस नहीं दिया जाता छोटी सी ऑफिस नहीं दी जाती है बल्कि आपको एक पूरा जिला दिया जाता है पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है जिसके नज्म नुस्ख को आपको संभालना होता है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आई की आई की ये जितने आप कलेक्टर कमिश्नर एडिशनल पुलिस सर्विसेस ये सारी जितनी भी चीजें हैं वो सब इसी एग्जाम से निकल कर आती है दो तरह के एग्जाम होते हैं एक सेंट्रल लेता है वो यूपीएससी के जरिए से सिविल सर्विसेज एग्जाम कहलाता है एक स्टेट लेता है पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे महाराष्ट्र का एम होता है दोनों में फर्क ये होता है कि जो पोस्ट है, है और पब्लिक सर्विस कमीशन के जेर इंसराम दी जाती है तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है जिसकी तफसी आप यहाँ पर ये जो ब्रैकेट यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके ग्रुप में लोधिया मैडम शेयर कर देंगे क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है तो हर कोई वाकिफ ही है कि मुल्क का कितना बड़ा ये इम्तिहान है इसी से आप अंदाजा लगा सकते कि मुल्क हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जाम है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स अपियर होते हैं लेकिन सिलेक्शन सिर्फ पांच सात सौ लोगों का होता है डिपेंड करता है कि उस साल में कितनी सीट्स वैकेंट है जी और कोई सवाल दूसरा सवाल ये सर जी मेथड ऑफ स्टडी क्या रखेंगे हम मेथड ऑफ स्टडी ठीक है इसमें तो बेसिक स्टडी का जो तरीके कार है सबसे पहले तो आपको एनसीआर पढ़नी होती है छठी जमात से लेकर बारहवीं जमात तक उसमें कुछ किताबें छोड़नी भी होती है इसी दिन हम जब बुक सेशन रखेंगे तो उसमें हम उनकी पूरी फहरिस्त बताएंगे कि किन किताबों को आपने पढ़ना है किन को नहीं पढ़ना है चूंकि हम स्टेट बोर्ड पढ़कर आते हैं और यूपीएससी एन को फॉलो करता है तो सबसे पहला हमारा जो स्टडी का मेथड होना चाहिए वो एनसीआर को हमने फॉलो करना है एनसीआरटी पढ़ लेने के बाद मेंस पर आना है मेंस की जो किताबें हैं उसकी पूरी लिस्ट अभी हमने यहाँ पर बताई है कि आ, किस सब्जेक्ट में किस पेपर में आप कौन सी किताब पढ़ेंगे ये किताबों के नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा जोग्राफी के लिए जीसी लियोन या माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं हाँ अब तरीके कार क्या हो सकता है जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट उठाते हिस्ट्री अब छठी जमात से लेकर दसवीं जमात तक वो पूरी किताबें हिस्ट्री के एक साथ पढ़ लेते हैं ताकि वो रिदम बना रहे वो तसलसल कायम रहे वो सिलसिला दराज रहे बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास वाइज किताबें पढ़ते हैं पहले पहले छठी की मुकम्मल सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ ली यानी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं जोग्राफी भी पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी भी पढ़ रहे अब ये जो शेड्यूल बनाया जाता है डिपेंड करता है कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहा है उसका आईक्यू लेवल कैसा है या वो उसका कंफर्ट जोन कौन सा है या कौन सी स्टडी उसके लिए सूटेबल होने वाली है जैसे कुछ बच्चों का ये तरीक़ार होता है कि ग्रुप में स्टडी करते हैं तो उन्हें जल्दी याद होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो जब तक कि अकेले में तनहाई में किताब लेकर नहीं बैठेंगे तब तक उन्हें याद नहीं होता है उसी तरीके से अगर आप एक ही सब्जेक्ट छठी से दसवीं तक पढ़ रहे हो और वो रिदम आपका कायम है तो वो आपके लिए बेहतरीन तरीके कार हुआ लेकिन अगर आप एक साथ इतना ज्यादा पढ़ लेते हो जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो फिर एक शॉर्ट टर्म गोल आप बनाइए और गोल को डिवाइड कीजिए अपने महीनों में फिर पंद्रह दिन में फिर हफ्ते में फिर डेली बेसिस पर छोटे छोटे गोल बनाना है और गोल पर मैं ऑलरेडी तीन या चार दिन कब लोग बात कर चुका हूँ कि किस तरीके से स्मॉल गोल आपको सेट करने हैं और जब वो आप अचीव कर लेंगे तो उसमें आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हम धीरे धीरे स्टडी अपनी दरास कर रहे हैं तो दोनों तरीका कारगर साबित हो सकता है हाँ बाद में जब आप मेंस मेंस की की तरफ तरफ जाते हो तो मेंस की जाने के बाद आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलना होती है किस एतबार से बदलना होती है जैसे आप एक तरीके पर अमल कर रहे हो उसके बाद आप जो है पी सॉल्व करते हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करते हैं या किसी कोचिंग के मॉडल क्वेश्चन पेपर ये आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो जब उन मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करते हैं तो आया आप कर पा रहे हैं या नहीं आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस आ रहा है या नहीं, नहीं आ रहा है, तो नहीं, आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटेजी में कमी है कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस में किसी चीज की कमी पाई जा रही है तो या तो आप गाइडेंस को बढ़ा लीजिए या उस कमी को पूरा कीजिए स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए और फिर चेंज करने के बाद दोबारा से आप मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए और फिर जांचिए कि आपका स्टडी का क्राइटेरिया चेंज होने के बाद आपकी मार्क्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं तो डिपेंड करता है आप जैसे मैं नू सिद्दीकी के अभी मैंने मिसाल दी नू सिद्दीकी पहले किसी और जगह पढ़ाई किया करते थे उनका फर्स्ट में सेकंड में दोनों मरतबा उर्दू ऑप्शनल में उनकी हाईएस्ट मार्क्स थी लेकिन इंटरव्यू तक उनकी रिसाइन नहीं हो पाई थी वो किसी सबक से नाकाम हो गए थे फिर उन्होंने क्या किया सिनेरियो चेंज कर दिया है ना वो मिलिया इस्लामिया में शिफ्ट हो गए सर्कल चेंज कर दिया किताबें वही है मटेरियल वही है पूरा हिंदुस्तान उसी मटेरियल को पढ़ता है लेकिन आपके पढ़ने का तरीका क्या है आपका क्लाइमेट क्या है कहाँ पर आप रहकर पढ़ा पढ़ाई करते हो घर पर पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या किसी बड़े शहर में पढ़ो शहर का बड़ा इम्पैक्ट होता है जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम मालेगांव में रहकर पढ़ाई करेंगे तो यूपीएससी के नाम पर हमारे पास मिलता कौन है हमारे यहाँ बहुत हो गया बहुत हो तो एक एसपी आपको मिल जाएंगे या नासिक से कोई अगर आ गया कोई कमिश्नर कलेक्टर तो बस वो आपको मिल जाएंगे ले दे के दो लोग से आप मिल सकते हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिया है या कामयाब किया है लेकिन जब आप दिल्ली में जाते हैं जब आप पूना में जाते जब आप हैदराबाद में जाते हैं जब आप रेसिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में जाते हैं तो वहां पर ऐसे दर्जनों स्टूडेंट्स होते हैं जो आई है जो आई आर है लेकिन उनको आई चाहिए तो रिपीट करते हैं तो आपके बगल में बैठकर एक आईपीएस अफसर पढ़ाई कर रहा है आपके कैंपस में पचास चलते फिरते नजर आते हैं वो जो पुराने के जो वहां पर अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए आए है जो बड़ी पोस्ट पर है दिल्ली आ चुके हैं तो उनका गाइडेंस लेक्चर रखा जाता है गेस्ट लेक्चर रखा जाता है तो उनसे जो एक्सपोजर आपको मिलता है एक मेंटल हेल्थ आपकी वहां पर क्रिएट होती है फिर वो आपको गाइड करते नहीं आंसर ऐसे नहीं आपको ऐसे लिखना है ये तरीका ऐसे नहीं ये ऐसा होना चाहिए फिर वो एक जो खौफ बना हुआ है कि आठ आठ घंटा पढ़ना है दस दस घंटा पढ़ना है पंद्रह पंद्रह घंटा पढ़ना है देखिए ठीक है पढ़ना होता है लेकिन कब तक जब तक आपका बेस नहीं है अगर आपने एनसीआर ही नहीं पढ़ी है आपने मेन्स की किताबें ही नहीं पढ़ी है तो स्टार्ट में तो आपको काफी कुछ पढ़ना होगा लेकिन जब आपकी एनसीआर पूरी हो गई जब आपकी मेन्स पूरी हो गई जब आपकी शॉर्ट नोट्स बन गई है तो अब उतना नहीं नहीं पढ़ने आपको अब आपको क्या है आपके पास नॉलेज आ चुकी है अब आपको प्रैक्टिस करनी है आंसर राइटिंग की नॉलेज है उस उस नॉलेज को आप डिलीवर कैसे कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे रहे हो हो प्रेजेंट पर आपको काम करना होता है तो स्टार्ट में तो आपको ज्यादा टाइम देना है और बाद में फिर धीरे 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 जो है वो कम हो जाएगा मैं मैं लोधी आपस से बात करूंगा कि एक सेशन हम और रखते हैं जिसमें हम कुछ सवालों पर बात करेंगे जैसे सबसे पहला सवाल यूपीएससी कौन करे हम मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात नहीं करेंगे कि वो हर किसी को कहते हैं कि आपने हर किसी को यूपीएससी देना है ये हर किसी के बस की बात नहीं है वरना हर किसी के बस की बात होती तीन लाख स्टूडेंट्स स्टूडेंट्सिम लिखते हैं और उसमें से मैक्स टू मेक का सिलेक्शन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता सात सौ आठ सौ लोगों का होता है तो <coughs> पहला सवाल होगा यूपीएससी कौन करे दूसरा सवाल होगा यूपीएससी किस मीडियम से करे उसके बाद तीसरा सवाल होगा यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी बेहतर है या फिर हमें कोचिंग एकेडमीज का रुख करना चाहिए कौन कौन सी किताबें पढ़ना चाहिए कौन सा मटेरियल स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए किस किस्म की कुर्बानी आपको देनी है ये वो जो बेसिक सवाल है जो हर स्टूडेंट पूछते हैं मैं मैम से बात करता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो कल एक और सेशन हम रख लेंगे जिसके अंदर हम इन तमाम पैरामीटर्स पर बात करेंगे जिसमें हम

अल्लाह आपने बहुत मालूमती बात पेश की है आपको पीच डी की मुबारकबाद पहले और आप इस करियर गाइडेंस में जो लेक्चर दे रहे हो बच्चों की रहनुमाई कर रहे हो अल्लाह इसका आज दे आपको और अम्णे, अम्णे, इसी अम्णे। इसी कोशिश में लगे रहिए हमको हमारे गाँव के बच्चों को आगे लाना है उनके जहन को बदलना है हम सिर्फ एक ही ढरले पर नहीं चलाना हमको हमारे एक मिजाज बन गया है कि सिर्फ एमबीबीएस बी बी एस करना तो एम बी करा रहे हैं कुछ ये किसी को टीचर बनना तो सिर्फ टीचर ही बन रहे हैं तो ये, ये मिजाज जो चेंज करने की जो जो, जो, जो शुरू हुई है सीरीज आप सब लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूँ और बहुत खुशी की बात है और इन शजीज अंदर मौका रहा तो आगे भी आपको सुनेंगे अल्लाह इसके सही समझने की और तरक्की करने की लोगों के अंदर सलाहियत पैदा कराए असलाइकुम वाले रहे, तो uh, नूरी सर को अभी आप समाज फरमा रहे uh, ताल्लुक से बताया कैसे एग्जाम की स्ट्रेटेजी रहेगी किस तरीके से एग्जाम में हम अपियर हो सकते हैं कैसी मेहनत करें क्या अपना गोल होना चाहिए इस पर उन्होंने जो है रोशनी डाली और जो है काफी है, मतलब नॉलेज आप लोगों को दी उनकी इंफॉर्मेशन से हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ हुए तो अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे और जो है मैं अपनी करियर काउंसिल की तरफ से प्रिंसिपल और जो है एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेटर सलमा मैडम हमारी मैनेजमेंट और जो है तमाम तलबात की जानब से सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और जिस तरीके से आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं बच्चों से बात करने के लिए कि किस तरीके से और प्रोग्रामिंग करनी चाहिए प्लानिंग करनी चाहिए तो इन ताला जो है हम आपको और मौका देंगे सर और जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने आज जो है काफी अपना कीमती वक्त हमें दिया अल्लाह आपको जजाय खैर दे जजाकल्ला सर ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया जजाकल्ला